नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रीति। बात करते हैं अजब खबर की। हम भिखारी को भिखारी न समझें, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। कभी कभी जो दिखाई देता है वो नजरों से गायब रहता है, लेकिन वास्तविकता सही समय पर सामने आकर ये दिखलाती है कि हम जो देख रहे हैं वही वास्तविकता नहीं है। जब कभी वास्तविक जीवन में ऐसा मौका आता है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है। दरअसल गलती उनकी भी नहीं, वरन हमारी सोच और समझ की है, जो कि हर व्यक्ति के लिए एक स्टीरियोटाइप बना लेता है। एक भिखारी सा दिखने वाला शख्स इतना अमीर भी हो सकता है, आप और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये मामला थाईलैंड का है, जहां एक पटेहाल व्यक्ति हार्ले डेविडसन जैसी महंगी बाइक के शोरूम में अंदर आ गया। जब कोई आदमी फटी टी शर्ट और हवाई चप्पल पहनकर कोई इंसान हार्ले डेविडसन जैसी बाइक के शोरूम में जाए, तो लोगों को यही लगेगा कि भीख मांगता हुआ एक आदमी भटक कर यहाँ आ गया है। लोगों को कुछ ऐसा ही लगा जब वो फटेहाल आदमी शोरूम में पहुंचा। कुछ देर तक तो शख्स वहां पर घूम घूम कर बाइक्स देखता रहा। लोग सोच रहे थे कि इसे यहां एक या दो रुपए से ज्यादा की भीख नहीं मिलेगी, फिर ये क्यों यहां आ गया। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड उसे शोरूम से बाहर निकालते, एक चमत्कार हो गया। वो भिखारी नहीं था, वरन एक खरीदार था हार्ले डेविडसन जैसी बाइक का। लेकिन भिखारी से दिखने वाले की जेब इतनी गर्म थी कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ। शोरूम के ऑनर से बात करते देखकर लोग उसे पागल भी समझ रहे थे। जब बाइक पर बैठ उसने बाइक चेक की तो लोग उसका मजाक बनाने लगे और कुछ ने फेसबुक पर शेयर भी कर दिया, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मानो चमत्कार हुआ और उसने अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालनी शुरू की, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने 12 लाख के बराबर का कैश निकाला और शोरूम का मालिक भी एक बार की चक्कर खाते खाते संभल गया। उसने अपनी ड्रीम बाइक हार्ले डेविडसन खरीदी, उसके साथ सेल्फी ली और शान से शोरूम के बाहर निकला। इसीलिए आपको भी हिदायत है कि हर भिखारी को भिखारी न समझे, क्या पता उसकी जेब में आपसे बड़ा खजाना हो।